ये रहा नींबू पानी और इसमें जा रहा है हनी, और बस गर्म नींबू पानी है जो स्वाद देता है पूछे मत, और इसके फायदे बहुत होते हैं। पंकज जा रहा है अभी खेलने के लिए। खेलने के लिए तुम टी शर्ट लेके जा रहे हो ना? खेलने के लिए बोला अच्छा दोस्तों, आज मैंने बनाई है खिचड़ी, क्योंकि आज साउथ इंडियन वाला जो खाना खाया था वो बहुत हैवी हो गया था, उसके बाद कुछ खाने का मन नहीं हुआ, तो फाइनली थोड़ा लेट में मैंने खिचड़ी बनाई, अब वही खाने जा रही हूँ। तो दोस्तों अभी ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ एप्पल। दोस्तों मैं बनाने जा रही हूँ चाय, अभी सब फैला हुआ है, मैंने कुछ भी सही नहीं किया है। तो हम लोग पीते हैं सोसाइटी वाली चाय, पंकज को यही चाय पसंद है क्योंकि वो कड़क चाय पीता है, और कोई चाय उसको पसंद नहीं आती है। आज का मौसम देखिए दोस्तों, धूप छांव चली रही है, देखिए धूप आई थी चली गई, काले बादल बने हुए हैं। किचन फैला हुआ है, मैंने अभी कुछ साफ नहीं किया है, अभी चाय बना रही हूँ। अभी सब कुछ फैला हुआ है, अभी करना है सब कुछ सही। अपने के साथ से 1406 स्टेप्स हो चुके हैं मेरे, 10,000 का टारगेट है जो कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये सब अभी सही करना है। इधर मेरे कबूतर मिलने आए हैं, इनसे हेलो बोल दीजिए। डाल डाल पे कबूतर बैठा हुआ है भाई, अरे किधर बैठा है? इधर वाले कबूतर ज़्यादा डरते हैं, उधर वाले नहीं डरते थे, जो जहाँ मैं पहले रहती थी वहीं बैठे रहते थे, उनकी 2-4 पीढ़ियाँ तो मैंने देख ही ली थी। देखिए मौसम कैसा हो रहा है, पता नहीं इसको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, मतलब वैसा सा मौसम है बारिश वाला। तो पुराने घर में कुछ काम वाम चल रहा है, सब निकाल उकाल दिया है, मुझे लग रहा है वो किचन का सामान निकाल दिया है पूरा। एक कबूतर बहुत देर से पंख फैला रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये बच्चा है या फिर क्या है, पता नहीं। तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, एक्चुअली मैं ये सब खुले पैकेट फ्रिज में इसलिए रखती हूँ क्योंकि कीड़े लग जाते हैं, पता नहीं क्या है यहाँ पे मुंबई में कीड़े आने लग जाते हैं। ये रहा बेसन, कुछ खाने का नहीं बना रही हूँ आज, ये चेहरे पे लगाने के लिए बना रही हूँ। ये गई इसमें हल्दी, आई थिंक इतनी इनफ है, और अब बारी है दूध की, दही भी मिलाते हैं बच्चे लोग, मैं दूध मिला रही हूँ, थोड़ा सा और मिलाना पड़ेगा लग रहा है। तो ये बढ़िया पेस्ट बन के तैयार हो गया, अब इसको लगाया जाएगा चेहरे पे अपनी सुंदरता को निखारने के लिए। मतलब खुद को कर रहे हैं, तुम भी आ गए। बारिश हो रही है क्या? ये होके रुक चुकी है। शाम का वक्त है दोस्तों, बारिश होके रुक चुकी है, मैं जा रही वॉक करने के लिए, ये है ना चलिए। अंधेरा ज़्यादा छाया हुआ है आज। परी यहाँ बैठी है। तो दोस्तों वॉक करने के लिए निकल गए, आज मेरे साथ पंकज जा रहा है वॉक करने,
कमेंट करके बताइएगा मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। चश्मा ठीक नहीं लगता क्या मेरे ऊपर? इधर से रोशनी आ रही है। हाँ यहाँ प्यारी प्यारी बिल्लियाँ हैं। नहीं आ रही है इसका। अच्छा सबसे मोटू ये है, ये तो पालतू ही लग रहा है। अपना वीडियो भी तो बनाऊंगा। भिंडी की सब्जी बनाई दोस्तों, प्याज भी कट गई है, भिंडी भी कट गई है। पता नहीं आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मन नहीं कर रहा कुछ करने का। बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, नेगेटिव सा लग रहा है। 4 बजे सुबह के दोस्तों, ये देखिए बाहर का मौसम, बहुत सही मौसम हो रहा है। ऐसा मौसम होता था ना बचपन में तो घूमने जाने का मन करता था। क्या गुड मॉर्निंग परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ ऐसी येलो येलो लाइट इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे अभी खिड़की बंद कर रखी है, तो अभी मैंने कुछ भी सही नहीं किया है, करना है। देखिए सब फैला हुआ है, अभी करती हूँ। और बाहर का मौसम ऑब्वियसली अच्छा हो ही रहा है, ये ऐसा धूप से दिख रही है इसमें वो एक्सपोजर की वजह से, बट धूप नहीं है। दिखाती हूँ बैक कैमरा से, हमेशा फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा एक्सपोजर रहता है, तो आप नोटिस करिएगा, अगर आपके अपने फ़ोन से नोटिस करिएगा तो, इसलिए लाइट ज़्यादा दिखती है। चलिए दिखाती हूँ, ये देखिए कौन बैठा है भाई, कोई बैठा है कि क्या है? हाँ कोई बैठा हुआ है इस घर में। बाकी किचन मैंने साफ कर दिया था और फिर से बर्तन आ गए। पंकज हमेशा बर्तन यहाँ रख देता है, मैं उसको बोलती हूँ बर्तन यहाँ रखा करें, बट वो यहीं रखता है और बार बार आके हटाती हूँ। यहाँ भी सब कुछ सही करना है, अभी वो रनिंग करने गया हुआ है। चलिए मैं इसको सही कर लेती हूँ, सब कुछ फैला हुआ है, आई नो। सही करने के बाद दिखाऊंगी, चलिए मतलब कहेंगे कि ऐसे ही रहती होगी। तो आज भी पंकज ने मंगाया है ब्लिंकिट से बहुत सारा सामान, जिसमें अच्छा अच्छा चीज़ें हैं, सुपर फूड ब्रेड मंगाया है नो मैदा वाला, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी दिखाऊंगी। किचन में चलते हैं, तो अभी पंकज बनाने जा रहे हैं मखाने का कुछ, वो बोल रहा मखाने का सेवन करेगा। हाँ देखो क्या है मखाने, कैसे बनाओगे मखाने में क्या है? 100 ग्राम में 9 ग्राम प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट कम है, कोलेस्ट्रॉल जीरो है। ब्रेड मंगाई बताओ इसमें क्या क्या है? 100 ग्राम देखो 15 ग्राम प्रोटीन है, कार्ब्स 37 है, शुगर बहुत कम है 2.7 है, और सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें पाम ऑयल नहीं है, ठीक है, हाई प्रोटीन है, नो पाम ऑयल, ये सबसे अच्छी चीज़ है। क्या होता है पाम ऑयल से? है इंडिया में जो भी हानिकारक चीज़ है वो बैन नहीं है, क्योंकि इंडियन सब पचा लेते हैं। अभी तो मसालों के बहुत भयंकर बैन हुए हैं। कौन से मसाले? बहुत सारे मसाले जो है ना वो, अरे भाई इसमें फ्लैक्स सीड है, कैंसर बन रहा है, इसलिए इंडिया में इतने कैंसर हो रहे हैं। जो भी वो दिखाते हैं कि बहुत अच्छा फूड है उसमें पाम ऑयल वगैरह रहता है, पाम ऑयल से होता है नुकसान, चीप होता है ना इसलिए डाल देते हैं उसको। पर यहाँ कौन सा चीप होता है? इंडोनेशिया और थाईलैंड से मंगा के डाल देते हैं। इंडिया में तो होता है सरसों का तेल, चीप होना चाहिए वो ले लो। सरसों कहाँ, अब तो महंगा कर दिया सरसों का तेल। नहीं नहीं रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल गाँव में आजकल रिफाइंड ऑयल का बहुत क्रेज है, फॉर्चून फॉर्चून फॉर्चून। सरसों का तेल दही वाली खाते हैं वहाँ से, लेकिन सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है, मैं तो वही यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहते हैं हार्ट की तकलीफ ना हो तो सरसों का तेल, और इवन अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे
आप सरसों को पिसवा के कर सकते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है ना। पिसाता नहीं है वो, सरसों को पिराया जाता है। हाँ वही बोलते हैं। उसकी सरसों के बीज देखे कभी? देखे। सरसों का पौधा देखा है? हाँ। पौधे से बीज निकाल के उसके बाद अगर ऐसी जगह रहते जहाँ पे सब होता है तब तो। ऐसी जगह क्या मतलब, इंडिया में सब जगह होता है? नहीं सब जगह नहीं, मुंबई मिल जाएगा तुम्हें तो। मुंबई के लोगों को तो दूध भी नसीब नहीं हो रहा गाय भैंस का, उनका तो ऐसे फालतू का सब अमूल शमूल होता। सबको गाय भैंस रखनी चाहिए एक दो। कहाँ रखोगे गाय? तुम्हारे बिस्तर पे गाय रखी? जब कुत्ते रह सकते तो गाय के लिए। कहाँ कुत्ता रखा है मैंने? लोगों ने रखा हुआ दुनिया में। लोगों ने रखा है, मैंने तो नहीं रखा है। कुत्ता अगर तो गाय भी रखो, बछिया भी रखो, पढ़िया भी रखो, पढ़िया सस्ता है तो वो बड़ा होके कितना बड़ा हो जाएगा वो भी तो सोचो, कितना खाएगा तो क्या होगा वो इस हिसाब से सोचिए। बहुत ज्यादा घास खा लेगा, घास ही घास है। जाओ जाओ करके दिखाओ ये काम।